हाय, मैं हूं मोहित। आप देख रहे हैं टेक्निकल वर्ड्स। तो दोस्तों, आज है संडे। संडे का मतलब फंडे। तो आप सभी भी आज घर में बैठ के फनी फन करते रहो। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं हर एक संडे को आप सभी के लिए इसी चैनल पे एक Q&A वाले वीडियो को जरूर अपलोड करता हूँ। तो इसलिए किसी को भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछना हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करना ना भूलना। मैं नेक्स्ट संडे को जब नेक्स्ट Q&A वीडियो इसी चैनल पे अपलोड करूंगा तो यहाँ पे आप सभी का क्वेश्चन को पिक कर लूंगा। तो आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन पूछते हैं JBL म्यूजिक प्रेजेंट, ये पूछते हैं फॉर फ्री फायर मैक्स खेलने के लिए। भाई, आपने तो अपना बजट बताया ही नहीं। वैसे फ्री फायर के लिए कोई नॉर्मल फोन भी आप ले सकते हो। अगला क्वेश्चन पूछते हैं सयान भाई, ये पूछते हैं इफ देयर इज एनी डिस्काउंट कमिंग ऑन नथिंग फोन वन इन फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज। तो देखो भाई, अब बिग बिलियन डे सेल के बारे में पूछना चाहते हो या फिर बिग सेविंग डे सेल के बारे में पूछना चाहते हो, क्योंकि बिग बिलियन डे सेल आने में अभी बहुत लेट है और बिग बिलियन डे सेल हम सभी को दशहरा के आसपास देखने को मिलती है। वैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नथिंग फोन वन का भी प्राइस कम हो चुका है फ्लिपकार्ट पर। अभी आप यहाँ पर इस फोन को बाय कर सकते हो फ्लिपकार्ट से मात्र 27,000 रुपये में। अगला क्वेश्चन पूछते हैं रमजान भाई, ये पूछते हैं रियलमी 9 SE में डिस्काउंट आएगा क्या, 30-35% आएगा क्या, कब आएगा 8GB वाला 19,999 रुपीज में, प्लीज रिप्लाई। तो भाई, मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि अब इस फोन आप यहाँ पर डिस्काउंट का उम्मीद बहुत ही कम रखो, क्योंकि इस फोन में हम सभी को कभी काल ही डिस्काउंट मिलता है। जब भी डिस्काउंट आएगा तो मैं आपको यहाँ पे वीडियो बना के इन्फॉर्म कर दूंगा। वैसे आप सभी को यहाँ पर इमरजेंसी में रियलमी 9 SE फोन को बाय करना है तो इसके बदले आप लोग यहाँ पर कोई और फोन को बाय कर सकते हो। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछते हैं अंतर्यामी भाई, ये पूछते हैं टेक्नो फोन पर डिस्काउंट आएगा या फिर नहीं। तो भाई, अमेजोन पर अभी कुछ सेल चालू है और अमेजोन पर कुछ टेक्नो के फोन में ऑफर भी चालू है, अभी आप यहाँ पर जाके चेक कर सकते हो। यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछते हैं कार्तिक भाई, ये पूछते हैं नथिंग फोन वन ऑफर सेल्स। तो भाई, अभी फोन का फ्लिपकार्ट पर प्राइस हो चुका है 27,000 रुपए COD में, तो अभी आप यहां पर जाकर चेक कर सकते हो। अगला क्वेश्चन पूछते हैं मयूर भाई, ये पूछते हैं मोटोरोला एज 20 प्रो 5G में अच्छा सा डिस्काउंट कब आएगा। कुछ ही दिन पहले इस फोन का प्राइस था फ्लिपकार्ट पर 25,000 रुपए, तभी मैंने आपको बोला था कि 25,000 रुपए में आप यहां पर इस फोन को बाय कर लो, इसे सस्ता में नहीं मिलने वाला है। लेकिन अभी ये फोन फ्लिपकार्ट पर आउट ऑफ स्टॉक भी हो गया और इस फोन का प्राइस को बढ़ा दिया गया है फ्लिपकार्ट पर। तो जब भी 25,000 रुपए का आता है तो मेरे विचार से आपको यहां पर डेफिनेटली बाय कर लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन पूछते हैं अंतर्यामी भाई, ये पूछते हैं टेक्नो पोबा 4 अभी लेना सही रहेगा या गलत। तो भाई, मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि बिल्कुल सही रहेगा लेना इस फोन को, लेकिन अगर आप यहाँ पर इस फोन का UI को संभाल सकते हो या फिर अपडेट को संभाल सकते हो तो आप यहाँ पर बाय कर लेना, नहीं तो इस फोन को बाय मत करना। अगला क्वेश्चन पूछते हैं मूड ऑफ भाई, आपका मूड ऑफ क्यों है आप नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताना। ये पूछते हैं भाई पोको M4 Pro 6 128 GB फरवरी में क्या 12,000 तक मिल सकता है, और अगर मिल सकता है तो कब तक। तो भाई, आपको पोको M4 Pro 4G को बाय करना है या फिर पोको M4 Pro 5G को बाय करना है, ये आपने कमेंट में मुझे बताया ही नहीं। अगर देखिए, पोको M4 Pro 4G को बाय करना चाहते हो तो 6 GB 128 GB आपको यहाँ पर 12,000 तक मिल जाएगा कार्ड लगा के, या फिर बहुत बार हम सभी को ये COD में भी मिल चुका है। मेरे पास भी पोको M4 Pro 4G है, लेकिन अगर यहाँ पर आप पोको M4 Pro 5G फोन को बाय करना चाहते हो तो इसका 6 GB 128 GB वाला वेरियंट आपको यहाँ पर 12,000 रुपये में नहीं मिलने वाला है। तो आप यहाँ पर नेक्स्ट सेल का वेट कर सकते हो या फिर आप यहाँ पर बिग सेविंग डे सेल का भी वेट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन पूछते हैं पुनीत शर्मा भाई, ये पूछते हैं नेक्स्ट बेस्ट सेल इन फरवरी फॉर मोबाइल्स। तो देखो भाई, अगर आपको यहाँ पर बेस्ट सेल का वेट करना है तो आप यहाँ पर डेफिनेटली वेट कर सकते हो। फरवरी की सबसे बड़ी सेल कौन सा हो सकती है? तो दोस्तों, फरवरी की सबसे बड़ी सेल बिग सेविंग डे सेल हो सकती है, और ये जो सेल है ये हम सभी को लगभग हर एक महीने में देखने को मिली जाती है। तो अब सवाल ये आता है कि बिग सेविंग डे सेल हम सभी को कब देखने को मिल सकती है? तो दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि बिग सेविंग डे सेल हम सभी को 10 तारीख के बाद से देखने को मिल सकती है फ्लिपकार्ट पर। तो जिसको भी वेट करना है बड़ी सेल का, तो आप यहाँ पर वेट कर सकते हो। अभी आप लोग उम्मीद कर सकते हो कि 12-13 तारीख के बाद हम सभी को बिग सेविंग डे सेल देखने को मिल सकती है। इसके अलावा हम सभी को इलेक्ट्रॉनिक सेल देखने को मिल सकती है, और भी लाइव बिग बचत धमाल सेल चालू है, और कौन कौन सा सेल आने वाली है फरवरी के महीने में तो मैंने इस वीडियो में आप सभी को पूरे डिटेल के साथ बता रखा है। तो अगर आप सभी ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग जाकर देख सकते हो। वैसे सेल के बारे में अपडेट मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे देते रहता हूँ, तो जिसने भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग जाकर ज्वाइन कर सकते हो। मैं वहां पर सेल के बारे में अपडेट यूट्यूब से भी पहले देते रहता हूं, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं विश्वजीत भाई, ये पूछते हैं इन्फिनिक्स 05G में डिस्काउंट कब मिलेगा। तो भाई, इस फोन में डिस्काउंट का आने का उम्मीद आप लोग यहाँ पर छोड़ ही दो। अगला क्वेश्चन पूछते हैं AK भाई, ये पूछते हैं Realme GT Neo 30 वर्सेस Poco F4 वर्सेस OnePlus Nord 2 व्हिच इज बेस्ट। तो मैं आपके जहाँ पर आता हूँ तो मैं यहाँ पर चूज करता हूँ Realme GT Neo 30, लेकिन आप यहाँ पर वेट कर सकते हो iQOO Neo 7 फोन का, जो
हम सभी को इसी मंथ में देखने को मिलने वाली है Amazon पर। तो आपको यहाँ पर वेट करना है तो आप यहाँ पर वेट कर सकते हो। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछते हैं गेमर भाई, ये पूछते हैं पोको M4 Pro 5G सेल में कितने का मिलेगा। तो भाई अभी इस फोन का प्राइस हो चुका है 13,000 रुपये, लेकिन अगर आप यहाँ पर बिग सेविंग डे सेल का वेट करते हो तो उस सेल में ये फोन हम सभी को 11,000 से 11,500 तक मिल सकता है कार्ड वगैरह को लगा के। अगला क्वेश्चन पूछते हैं शॉर्ट क्रिएशन भाई, ये पूछते हैं IQ Z3 कब तक स्टॉक में आएगा भाई। तो भाई अब इस फोन को लेने का क्या फायदा, तो आप यहाँ पर उम्मीद कम ही रखो कि ये जो फोन है स्टॉक में आने वाला है। अगला क्वेश्चन पूछते हैं अजीत कुमार भाई, ये पूछते हैं इन्फिनिक्स 020 की प्राइस कम होगी। तो भाई इतनी जल्दी कम नहीं होने वाली है, क्योंकि ये जो फोन है ये न्यू मॉडल है, ये हाल ही में इंडिया में लॉन्च हुआ है, तो आप यहाँ पर 1 से 2 महीने वेट कर लो। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछते हैं बैड गोपाल YT भाई, ये पूछते हैं भैया नेक्स्ट सेल में पोको M4 Pro 5G कितने का मिलेगा। तो भाई अभी आप यहाँ पर बाय कर सकते हो मात्र 13,000 रुपये का। अगला क्वेश्चन पूछते हैं विश्वजीत गेमर, ये पूछते हैं भाई Realme Narzo 50 Pro 5G में ऑफर आएगा क्या। तो भाई आप यहाँ पर होली सेल का वेट कर सकते हो, लेकिन उम्मीद कम ही रखना कि इस फोन में हम सभी को होली सेल में भी डिस्काउंट मिलेगा। तो फिर भी डिस्काउंट आता है तो मैं आपको यहाँ पर जरूर इन्फॉर्म कर दूंगा। अगला क्वेश्चन पूछते हैं टेक वर्नर भाई, ये पूछते हैं आपको पोको X4 Pro लेना चाहिए था। तो भाई आप यहाँ पर बिल्कुल सही बोल रहे हो, लेकिन मेरा बजट उतना नहीं था, इसलिए मैंने पोको M4 Pro 4G को चूज किया। तो अगला क्वेश्चन पूछते हैं KTM भाई, ये पूछते हैं पोको M4 Pro 5G 6GB 128 12,000। तो भाई अभी तो मिलना मुश्किल है, तो आप यहाँ पर बिग सेविंग डे सेल का वेट कर सकते हो। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछते हैं Realme 9 Pro Plus 8256 प्राइस हैब में कितना कम होगा। तो भाई 4,000 से 5,000 रुपये का हम सभी को ऑफ देखने को मिल जाएगा अगर बिग सेविंग डे सेल आती है तो। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछते हैं और एक बार फिर से क्वेश्चन पूछते हैं JBL म्यूजिक प्रेजेंट, ये पूछते हैं मेरे लिए क्या Realme Narzo 50 Pro लेना चाहिए क्या। तो भाई आप यहाँ पर बिल्कुल ले सकते हो, लेकिन अगर इस फोन में डिस्काउंट मिलता है तो ही आप यहाँ पर इस फोन को बाय करना। नेक्स्ट क्वेश्चन यही पूछते हैं मेरे पास पोको X4 Pro है, ई फोन फ्री फायर मैक्स लैग करता है मैं। तो भाई बिल्कुल आप यहाँ पर Realme Narzo 50 Pro ले सकते हो। तो यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन पूछते हैं NFF भाई, ये पूछते हैं भाई लाइव कब आओगे। तो भाई देखता हूँ, कुछ प्लान बनाता हूँ, मेरी तो आज तबीयत भी ठीक नहीं है, तो जब मन करेगा मैं लाइव आ जाऊंगा, आपका यहाँ पर क्वेश्चन को भी पिक कर लूंगा लाइव में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर वीडियो अच्छी वीडियो को लाइक करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना, हाँ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलना। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।